हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी 2023 के लिए ऑप्शनल में पीएसआईआर कोर्स। ठीक है, ऑप्शनल जो पीएसआईआर ऑप्शनल है हम लोग उसको डिकोड कर रहे हैं। डिकोड क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट कवरेज की तरफ अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो अपन कोशिश ये करेंगे कि मार्च फेब तक, मार्च या फेब या मार्च तक हम आपका जो है दोनों पेपर, पेपर वन और पेपर टू कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लेटो। प्लेटो के हमने थियरी ऑफ आइडिया को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग आगे और बढ़ेंगे। मेरा नाम आशीर्वाद है। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा। 6 साल पीछे 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। दिशा के लिए मैंने इंटरनेशनल एक बुक लिखी है, 3 यूपीएससी का इंटरव्यू है, और इस बार भी मैंने मेंस दिया था। ठीक है, ऑप्शनल मेरा पीएसआईआर ही था। तो अपन पीएसआईआर ऑप्शनल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल थॉट का क्या मतलब होता है। हमने पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कशन किया था कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। फिर हमने जो कीवर्ड है पॉलिटिक्स उसको डिस्कस किया था, पॉलिटिकल को डिस्कस किया था। हमने स्टेट डिस्कस किया था, हमने सिटी स्टेट डिस्कस किया था। हमने एंशियंट जो ग्रीस है, एंशियंट जो ग्रीस है, ग्रीस है उसका जो फीचर्स है वो हमने डिस्कस किया था। और हमने बैकग्राउंड प्रिपेयर की थी किसकी, प्लेटो की। फिर जो उसके बाद वीडियो आई थी उसमें हमने प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया को डिस्कस किया था, राइट। प्लेटो का थियरी ऑफ आइडिया जिसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि सर पेलोपोनेशियन वॉर जो हुआ था, पेलोपोनेशियन वॉर जो हुआ था उसमें एथेंस हार गया था, उसी के जो कॉजेज हैं उसको एग्जामिन करने में इन्होंने थियोरी ऑफ आइडिया दिया। किसने, प्लेटो ने। इन्होंने क्या बताया कि आइडिया जो है वो ग्रेटर होता है किससे, मैटर से ग्रेटर होता है। फिर इसको एक्सप्लेन कैसे किया था इन्होंने, उसको एक्सप्लेन किया था, प्लेटो ने एक्सप्लेन किया था एलोगोरी ऑफ केप से, एलोगोरी ऑफ केप से। और ये किससे इन्फ्लुएंस थे, ये इन्फ्लुएंस थे सॉक्रेटिस के, सॉक्रेटिस के थियरी ऑफ नॉलेज से, थियरी ऑफ नॉलेज से। ठीक है, थियरी ऑफ नॉलेज में हमने ये पढ़ा था कि नॉलेज ऑफ गुड लाइफ और पर्पस ऑफ गुड लाइफ क्या है, हैप्पीनेस। ठीक है, मतलब इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को नॉलेज होना चाहिए कि गुड लाइफ क्या होता है और जो पर्पस है लाइफ का वो क्या हैप्पीनेस है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी थियरी ऑफ नॉलेज में वो ये थी कि अनएग्जामिंड लाइफ, अनएग्जामिंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, इज नॉट वर्थ लिविंग। देखो मेरी राइटिंग भी अच्छी है तो तुम्हें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम सुनते हुए लिखते चलोगे तो। और फिर जो हमने प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया पढ़ा था उसमें जो स्टेटमेंट था वो ये था कि रियलिटी क्या है, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये बस इतनी सी नन्ही सी प्यारी सी बात है, आप इसको देखते चलो, आगे चलते चलो, चीजें आसान हो जाएंगी। जल्दी से अपन आगे चलते हैं। प्लेटो का थियरी ऑफ जस्टिस, जब भी वर्ड जस्टिस आता है ना तो इसको डिफाइन करना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। मुझसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि जस्टिस को डिफाइन करो, तो जो ओपी गोवा की बुक है मुझे उसमें से 2 कीवर्ड याद है। तो जस्टिस को मैंने ऐसे डिफाइन किया था कि इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ ड्यू मैनर या इन अ जस्ट मैनर। मतलब सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्स है, ठीक है, और सोसाइटी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या है, जस्टिस है। तो प्लेटो का जो थियरी ऑफ जस्टिस है उसमें तुमने एक बात तो समझ ली कि जस्टिस क्या होती है। तुम ये डिफिनेशन लिख देना, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। खैर, जो थियरी ऑफ जस्टिस है ना, प्लेटो की थियरी ऑफ जस्टिस है वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड है, मोस्ट क्रिटिसाइज्ड है। एक और बात बता दूं, प्लेटो एज अ इंडिविजुअल, एज अ फिलोसोफर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज्ड है। ठीक है, तो प्लेटो की थियरी ऑफ जस्टिस क्या है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड आइडिया है प्लेटो का। ठीक है, तो एक बात इसमें ये समझ लो कि जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ना, जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फ्रॉम स्कॉलर्स ऑफ वेस्ट या फिर स्कॉलर्स ऑफ ईस्ट, सबने न्याय की बात जरूर की है, जस्टिस की बात जरूर की है, चाहे वो एंशियंट पीरियड हो या फिर मॉडर्न पीरियड हो। मेरे कहने का ये मतलब है
चाहे वो एंशियंट स्कॉलर्स हों जैसे प्लेटो अरिस्टोटल या फिर मॉडर्न फिलोसोफर जैसे रॉल्स और अमर्त्य सेन, रॉल्स आपको पढ़ना है ऑप्शनल में, उन लोगों ने भी आपसे क्या बात किया है, जस्टिस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो जब आप नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो ना, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो या पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हो, तो पॉलिटिकल थियरी का वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट क्या है, जस्टिस। मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना होता है, स्टेट पढ़ना होता है ना, स्टेट और स्टेट के एट्रीब्यूट पढ़ते होते हैं। तो कोई भी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ना, उसकी सर्वाइवल तब तक ही पॉसिबल है जब तक उस इंस्टीट्यूशन का जो परसेप्शन है वो जस्ट माना जाएगा। जिस दिन इंडिया के लोगों का सुप्रीम कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट से भरोसा हट जाएगा उस दिन ये इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगी, जिस दिन पार्लियामेंट से भरोसा हट जाएगा उस दिन ये इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगी। और भरोसे के पीछे रीजन क्या है, भरोसे के पीछे, ट्रस्ट के पीछे रीजन ये है कि पीपल बिलीव कि दैट इंस्टीट्यूशन इज स्टिल डूइंग जस्टिस। ठीक है, आप दुनिया के बथेरे देश उठा के देख लो, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अभी अभी ईरान में क्या बोलते हैं उसको, हिजाब पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं। इन सब के पीछे रीजन क्या है कि लोगों को लगता है कि ये जो फंडामेंटल रीजन है वो अनजस्ट है। ठीक है, तो बस यही बात है जस्टिस की। इतनी बैकग्राउंड में आप अपना थियरी ऑफ जस्टिस स्टार्ट करना। हम लोग अब पढ़ेंगे प्लेटो के थियरी ऑफ जस्टिस को। चलो, तो पहले अपन प्लेटो के थियरी ऑफ जस्टिस को पढ़ते हैं। कुछ कुछ बातें समझ लो कि जो प्लेटो का बुक है, नाम क्या होगा, सबको रटा होना चाहिए। प्लेटो का जो बुक है वो है द रिपब्लिक, ठीक है, द रिपब्लिक है बुक का नाम, किसका, प्लेटो का। इसका जो सब टाइटल है ना, बुक का जो सब टाइटल है वो क्या कहता है, कंसर्निंग जस्टिस। मतलब प्लेटो के लिए अगर आपको ये अंदाज लगाना है, ये महसूस करना है कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट था, तो आप बस इससे समझ लो कि उसके बुक का सब टाइटल ही क्या था, कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है, प्लेटो का जो थियरी ऑफ जस्टिस था वो लिंक्ड था, वो इंस्पायर्ड था, वो लिंक्ड था किसके, थियरी ऑफ सोल से। थियरी ऑफ सोल क्या कहता था, थियरी ऑफ सोल ये कहता था कि सर इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो सोल है वो तीन टाइप का है। तीन टाइप का सोल कैसे है, कि पहला सोल जो है, मान लो कि उसमें रीजन डोमिनेट करेगा। कुछ सोल ऐसे होंगे जिनमें करेज डोमिनेट करेगा, और तीसरी कैटेगरी सोल की ऐसी होगी जिसमें एपेटाइट डोमिनेट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। प्लेटो ने ये कहा कि जो इंडिविजुअल है ना, उनके सोल में तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है रीजन, एक होता है करेज और एक होता है एपेटाइट। बट हर इंडिविजुअल में जो रीजन का परसेंटेज है, जो करेज का परसेंटेज है और जो एपेटाइट का परसेंटेज है, That will keep on changing। ये क्या होगा, ये change करेगा। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, ये आपका change करेगा। ठीक है, हर individual में जो region है, किसी में region dominate करेगा, किसी में courage dominate करेगा, किसी में appetite dominate करेगा। बात समझ में आया। मैं फिर से बता दूं, थियरी ऑफ सोल में प्लेटो ने ये कहा कि हर individual के अंदर जो सोल है उसमें तीन चीजें होती हैं, region, करेज और एपेटाइट। बट हर इंडिविजुअल के सोल का जो परसेंटेज है रीजन का, करेज का और एपेटाइट का, वो अलग अलग होगा। आपने देखा होगा ना, देखो गांधी वाज आल्सो इंडिविजुअल, जो ब्रिटिशर्स उस टाइम थे लॉर्ड कर्जन, वो भी एक इंडिविजुअल था। ठीक है, हम और आप जैसे जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल है, वो भी इंडिविजुअल है ना, बट हम तीनों के थॉट प्रोसेस में, हम तीनों के ह्यूमन क्वालिटीज में अंतर है कि नहीं है। ऑब्वियस बात है, गांधी की जो क्वालिटी है वो लॉर्ड कर्जन से कितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग की है। अब हम आम लोगों को पता ही नहीं था कि डिप्रेशन ऑपरेशन क्या होता है, सप्रेशन ऑपरेशन क्या होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्लेटो की जो ये बात है कि हर इंडिविजुअल की जो क्वालिटीज होती है वो अलग अलग है, वो आज भी रिलेवेंट है। अब देखो, प्लेटो ने थियोरी ऑफ सोल में जब उसने बताया कि कोई इंडिविजुअल होगा जिसमें रीजन डोमिनेट करेगा,
किसी में करेज डोमिनेट करेगा और किसी में एपेटाइट डोमिनेट करेगा, उन सबके लिए इसने स्पेशल फंक्शन बताया कि अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसमें रीजन डोमिनेट करेगा तो वो क्या होगा, रूलिंग क्लास होगा। वो क्या होगा, आई रिपीट, रूलिंग क्लास होगा। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल जिसमें करेज डोमिनेट करेगा वो किसमें जाएगा, वो वैरियर या मिलिट्री क्लास में जाएगा, मिलिट्री क्लास में जाएगा। थर्ड जो कैटेगरी है सोल की, अगर उसमें एपेटाइट डोमिनेट कर रहा है तो वो किस में जाएगा, वो प्रोड्यूसर क्लास में जाएगा, प्रोड्यूसर क्लास में जाएगा। इतनी बातें बस याद रखनी है कि अगर किसी इंडिविजुअल में रीजन डोमिनेट कर रहा है तो सर वो रूलिंग क्लास में जाएगा, अगर किसी में एपेटाइट डोमिनेट कर रहा है तो प्रोड्यूसर क्लास में जाएगा, और अगर किसी में करेज डोमिनेट कर रहा है तो वो किस में जाएगा, मिलिट्री क्लास में जाएगा। कहने का ये मतलब है कि प्लेटो का जो थियोरी ऑफ सोल था वो एक ऐसे सोसाइटी को प्रमोट कर रहा था जिसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था, FUNCTIONL, जिसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था। ठीक है, कि हर कैटेगरी के इंडिविजुअल का अपना फंक्शन होगा, जिसमें रीजन डोमिनेट करेगा उसका फंक्शन क्या होगा, रूल करना, रूलिंग क्लास। जिसमें करेज डोमिनेट करेगा उसका क्या फंक्शन होगा, उसका फंक्शन होगा मिलिट्री क्लास, मिलिट्री क्लास। और जिसमें एपेटाइट डोमिनेट करेगा वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्लास। हम और आप जो हम लोगों ने वर्ना सिस्टम पढ़ा था ये उसके थोड़ा सिमिलर है ना, वर्ना सिस्टम के थोड़ा सिमिलर है ना। ठीक, लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। बात समझ में आ गई। चलो, अब ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन से क्या आती है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एक तो ये होता है कि जो प्रोफेशन होता है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ और मुझे फुटबॉल खिलाओगे तो मैं सक्सेसफुल हूँ, ऑब्वियस बात है, नहीं सक्सेस करूंगा। तो वही अगर किसी में एपेटाइट है, अगर वो प्रोड्यूसर अच्छा हो सकता है तो वो कभी भी रूलिंग क्लास में जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब रूलिंग क्लास में जाने के बाद भी क्या वो अच्छा परफॉर्म करेगा, आंसर है नहीं करेगा। अगर किसी में करेज है और आप उसको प्रोड्यूसर क्लास में लगाए हो तो उसके पास पेशेंस ही नहीं, उसके पास वो भूख ही नहीं है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करे। ठीक है, किसी में अगर रीजन है, ठीक है, किसी में अगर रीजन डोमिनेट करता है, उसको आप बोलो कि तुम जाओ वार लड़के आओ, तो ये कभी पॉसिबल है, आंसर है कि नहीं, ये फेल कर जाएगा। तो इससे क्या आएगा, पहला तो स्पेशलाइजेशन आएगा और दूसरा पीस और हारमोनी आती है, पीस प्लस हारमोनी आती है। पीस और हारमोनी क्यों आती है, कि जिसको जो करना था उसने वही किया ना, तो पीस भी आएगी और हारमोनी भी आएगा। तो प्लेटो का थियरी ऑफ जस्टिस किससे इंस्पायर्ड था, थियरी ऑफ जस्टिस इंस्पायर्ड था प्लेटो के थियरी ऑफ सोल से। एग्जाम में आपसे थियरी ऑफ सोल पूछा जाएगा तो आप बता देना। और थियरी ऑफ सोल में क्या बताया गया, तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है सोल को, जिसमें रीजन डोमिनेट करेगा वो रूलिंग क्लास होगा, जिसमें करेज डोमिनेट करेगा वो मिलिट्री क्लास होगा, जिसमें एपेटाइट डोमिनेट करेगा वो प्रोड्यूसर क्लास होगा। और इससे क्या आएगी, सोसाइटी में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आएगा, जिससे पीस और हारमोनी सोसाइटी में आएगी। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। ठीक है, थोड़ी सी और इसमें डिस्कस करते हैं चीजों को। देखो, तो प्लेटो का जो थियरी ऑफ जस्टिस था, ये जो मेथड जो था वो क्या था, कल मैंने आपको मेथडोलॉजी बताई थी, जो मेथड था वो डायलेक्ट्रिक्स ही था, जिसमें सिंथेसिस था, एंटी सिंथेसिस था और बीच में सिंथेसिस था, एंटी सिंथेसिस था, यहाँ पे सिंथेसिस था। अब प्लेटो के थियरी ऑफ जस्टिस का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, प्लेटो के लिए जो जस्टिस है वो ड्यूटी के बराबर है। हमने गीता में भी कर्म योग पढ़ा है ना, ये उससे थोड़ा बहुत नजदीक है। ड्यूटी जस्टिस क्या है प्लेटो के लिए, जस्टिस जो है वो क्या है, प्लेटो के जस्टिस जो है वो ड्यूटी है। मतलब जिस इंडिविजुअल की जो ड्यूटी है आपको ड्यूटी परफॉर्म करो। जस्टिस प्लेटो के लिए क्या है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। मतलब हर इंडिविजुअल को जो टास्क दिया गया है उस टास्क को परफॉर्म करना ही क्या है, जस्टिस है। तीसरा, नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए वर्क में, नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए, कि मतलब अगर वो रूलिंग क्लास का बंदा है तो मिलिट्री क्लास में इंटरफेयर ना करे, अगर वो मिलिट्री क्लास का बंदा है तो वो रूलिंग क्लास या प्रोड्यूसर क्लास में इंटरफेयर ना करे। सॉरी, अगर वो प्रोड्यूसर क्लास का बंदा है तो वो रूलिंग क्लास और मिलिट्री क्लास में इंटरफेयर ना करे। तो नॉन इंटरफेरेंस के बेसिस पे प्लेटो ने अपनी थियोरी ऑफ जस्टिस वगैरह को प्रमोट करने की कोशिश की, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, नॉन इंटरफेरेंस और ड्यूटी ओरिएंटेड उसने बताया। प्लेटो ने जो ये चीजें डिड्यूस की, ये की थी इंडिविजुअल लेवल पे।
मतलब जो ड्यूटी या फंक्शनल फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बातें हो रही थी ये इंडिविजुअल पे आधारित थी, और प्लेटो ने इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाइड किया किस पे, स्टेट पे। ठीक है, क्यों अप्लाई किया, क्योंकि स्टेट किससे बनता है, स्टेट बनती है सोसाइटी से, स्टेट बनती है सोसाइटी से। और पहले के टाइम में सोसाइटी और स्टेट में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, चूंकि सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था ना, सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था ना। तो स्टेट किससे बनती है, सोसाइटी से, और सोसाइटी किससे बनती है, इंडिविजुअल से। यानी हम कह सकते हैं ना कि जैसा इंडिविजुअल होगा वैसा ही स्टेट होगा। अगर जापान के लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ऑनेस्ट है, तो जापान एज ए स्टेट भी करप्शन कम है, आपने देखा होगा। इंडिया में इंडिविजुअल्स देखो, आप अपने अगल बगल देख लो, हर इंसान चाहता है कहीं ना कहीं से थोड़ा सा करप्शन कर लेना मौका मिले तो इंडिया की तुम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तुम इंडिया की रैंकिंग देख लो, पुअर है। पाकिस्तान को देख लो, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज को देख लो, तो इन सारे कंट्रीज में करप्शन का लेवल हाई होने के पीछे रीजन ये है कि जो इंडिविजुअल है वही करप्ट है। ठीक है, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर से लेके पीएमओ तक कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो करप्ट ही है। तो स्टेट एज अ होल क्या होगी, करप्ट होगी कि नहीं होगी। तो प्लेटो ने ये किया कि इंडिविजुअल्स की जो ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट था उसी को अप्लाई करते हैं स्टेट के कॉन्सेप्ट में। क्यों, क्योंकि प्लेटो मानता था कि स्टेट इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स। और प्लेटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो ये है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रीट लार्ज। हिंदी में अगर बात बस इतनी समझ में आनी चाहिए आपको कि जो इंडिविजुअल स्टेट है वो किससे बना है, इंडिविजुअल से बना है। मतलब जैसे इंडिविजुअल्स होंगे वैसा ही स्टेट का सिस्टम होगा, ये लिख लेना आप लोग नोट्स में या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि स्टेट जो है वो किसका समेशन है, ये समेशन है इंडिविजुअल्स का। ठीक है, तो प्लेटो ने एक और बात कही, एक और स्टेटमेंट है आप समझना, कि जो स्टेट है ना, स्टेट डज नॉट इमर्ज आउट ऑफ ओक और रॉक। ओक ट्री से या रॉक से स्टेट नहीं आता, बट इट इज इनहेरेंट इन द माइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द स्टेट। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है ना सर कि स्टेट किससे बना हुआ है, इंडिविजुअल से। प्लेटो ने कहा कि जो स्टेट है ना ये किसी ट्री से या किसी रॉक से नहीं इमर्ज करता, ये माइंड ऑफ द पीपल में रहता है। ये माइंड ऑफ द पीपल जो उस स्टेट के अंदर रहते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, उनकी बिहेवियर, उनकी क्वालिटीज कैसी है, वैसी ही किसकी क्वालिटीज होंगी, स्टेट की क्वालिटीज होंगी। तो प्लेटो ने थियरी ऑफ जस्टिस में क्या कंक्लूड किया, प्लेटो की जो थियरी ऑफ जस्टिस थी उसमें क्या कंक्लूड किया कि जो इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस का कॉन्सेप्ट था उसी को अप्लाई कर दो इसको स्टेट लेवल पे। और फिर उसने वही फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ड्यूटी और थियरी ऑफ सोल वगैरह को इससे रिलेट कर दिया। बात समझ में आई। अब इसके बाद जो आपको आगे पढ़ना है वो ये है कि आपको इसका क्रिटिसिज्म पता होना चाहिए, प्लेटो का थियरी ऑफ जस्टिस का। मैंने बताया था कि क्रिटिसाइज किया जा रहा था। पहला तो ये है कि प्लेटो ने जो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, डिस्ट्रीब्यूशन किया है थ्री टाइप्स ऑफ सोल, ये फर्जी है। ठीक है, मतलब ये नॉन साइंटिफिक है, ऐसा कैसे होता है। ठीक है, जो इनके क्रिटिक्स हैं, जो प्लेटो के क्रिटिक्स हैं, वो इनके थियोरी ऑफ जस्टिस को ऐसे ही कहते हैं कि ये आर्बिट्ररी डिवीजन है, ये आर्बिट्ररी क्वालिटीज हाईलाइट की जाती हैं, ऐसा कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और दूसरी ये भी बात कही जाती है कि प्लेटो ने स्टेट के लिए ना इंडिविजुअल के फ्रीडम को स्नैच कर लिया, स्टेट के लिए स्नैच कर लिया क्या, प्लेटो के इंडिविजुअल के फ्रीडम को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो मतलब जो इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होना चाहिए था उसको स्नैच कर लिया गया, क्यों, बिकॉज ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्टेट, और स्टेट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया। और मॉडर्न जो पॉलिटिकल स्कॉलर हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए किससे, इंडिविजुअल से। बात समझ में आ रही है। तो प्लेटो का थियरी ऑफ जस्टिस हम लोग
10 सेकंड तो नहीं हो सकता, बट फिर भी जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। प्लेटो का थियोरी ऑफ जस्टिस सर किससे रिलेटेड है? प्लेटो का थियोरी ऑफ जस्टिस जो है उसकी रिलेवेंस आप समझ सकते हैं जो बुक का सब टाइटल है। बुक का सब टाइटल क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। प्लेटो का थियोरी ऑफ जस्टिस किससे रिलेटेड है सर? थियोरी ऑफ सोल से रिलेटेड है। थियोरी ऑफ सोल से रिलेटेड है। थियोरी ऑफ सोल में क्या बताया गया था? तीन टाइप की सोल बताई गई थी। पहला जिसमें रीजन डोमिनेट करे, दूसरा जिसमें करेज डोमिनेट करे, और तीसरा जिसमें एपेटाइट डोमिनेट करे। रीजन अगर उसमें डोमिनेट करेगा तो वो रूलिंग क्लास होगा, करेज डोमिनेट करेगा तो वो वैरियर क्लास होगा, और एपेटाइट यानी भूख डोमिनेट करेगा तो वो प्रोड्यूसर क्लास होगा। यही इंडिविजुअल लेवल पे जो थियरी ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट था या थियरी ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट था, इसने इन्होंने स्टेट के लेवल पे अप्लाई कर दिया और ये कहा कि स्टेट में दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कि अगर किसी इंडिविजुअल में रीजन डोमिनेट कर रहा है तो वो रूलिंग क्लास में जाए, करेज डोमिनेट कर रहा है तो वर्किंग क्लास में वैरियर क्लास में जाए, और एपेटाइट डोमिनेट कर रहा है तो प्रोड्यूसर क्लास में जाए। और दूसरी उन्होंने ये बात कही कि नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए। अगर सोसाइटी में ये दोनों चीज़ें हैं तो वो स्टेट क्या होगा? जस्ट स्टेट होगा, उस स्टेट में जस्टिस रहेगी। ठीक है, और हमने क्रिटिसिज्म ये डिस्कस कर लिया कि प्लेटो ने जो है इंडिविजुअल की फ्रीडम को सेक्रीफाइस कर दिया पहला, और प्लेटो का जो ये डिवीजन है ठीक है, ये कैसा है? आर्बिट्ररी है। तो प्लेटो का थियरी ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिस्कस कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में एक 10 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है आपको कॉमेंट करने के लिए कि स्टेट इज अ इंडिविजुअल रीट लार्ज, राइट। तो हमने प्लेटो का थियरी ऑफ जस्टिस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेटो के थियरी ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू ऑल, और प्लीज आप इस चैनल को वो जो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी होता है कर दो, और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछना, वी विल ट्राई टू एड्रेस इट, राइट। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।